पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984789810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम अरहम नमः। अरहम 40 के 28वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अक्षरों और शब्दों में अद्भुत ऊर्जा होती है जो ना सिर्फ हमारे मन को शांत करती है, चेतन को निर्मल करती है, अपितु भौतिक वातावरण को भी शुद्ध करती है। तो आज हम विश्व शांति के भाव से योग की विधा सीखेंगे जिसे जप योग कहते हैं। एक परिवार में रह करके एक बहुत अच्छा काम किया जा सकता है कि वह परिवार में सामूहिक रूप से मंत्र जाप के माध्यम से अपने अंदर अपने वातावरण को अपने घर को बिल्कुल मंगलमय बना सकता है। एक बहुत अच्छा तरीका जो हमेशा से भारतीय संस्कृति में अपनाया जाता रहा, मंत्र जाप का तरीका। जपतः पाप नाशनम, जप से पाप का नाश होता है। और ये सब जो कुछ भी हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं, ये सब हमारे पाप कर्म के उदय से आती हैं। तो हर व्यक्ति अगर जप करने में लगे, पाप का नाश करने में लगे, तो अपने आप उसके अंदर एक प्योरिटी पैदा होगी और उस प्योरिटी की वेव्स जब इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अपने आप फ्लो होंगी तो अपने आप इस देश के अंदर, विदेश के अंदर, विश्व के अंदर एक शांति का वातावरण पैदा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति घर में, तो आप देखो, एक घंटा यदि आप ऐसा दिन में कोई भी टाइम निकाल लो जिसमें कि हम घर के मेंबरों के साथ में सामूहिक जाप किया करेंगे। कई तरह के मंत्र होते हैं, आपको जो मंत्र अच्छा लगे उसकी जाप कर लो। और अगर आपको बिल्कुल कोई सिंपल सा मंत्र चाहिए तो ओम अरहम नमः। आप देखो एक घंटा आज करके देखो, किसी भी टाइम पर दिन में, रात में, किसी भी टाइम पर आप एक घंटा बैठ करके देखो, आपको लगेगा कि हमारा फैमिली मेंबरों के साथ में भी कितना अच्छा एक स्नेह का वातावरण बिना कुछ किए बन रहा है। और उसके साथ साथ हमारे घर के अंदर पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, हमारे माइंड के अंदर भी पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं। और हम पहले अपने आप को जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट महसूस करते थे वैसा नहीं हो रहा है, और अब हमें लग रहा है कि हाँ, हमारे साथ में बहुत अच्छा हो रहा है। हाथ जोड़े प्रार्थना मुद्रा में। पूरे जगत में शांति हो इस हेतु हम एक मंत्र का जाप करेंगे। तालियों के माध्यम से आप पूरे आनंद के साथ पूरे विश्व में शांति के लिए अपने स्थान पर ही आनंदित होते हुए ये भाव करेंगे। कहीं पर किसी को भी अकाल में मृत्यु ना हो, किसी के लिए भी कोरोना वायरस इत्यादि के माध्यम से जीवन समाप्त ना हो, सभी जीव स्वस्थ रहें, जगत में आपदा दूर हो सभी जीवों के अंदर, पूरा जीवन जीने के लिए सुख मिले, शक्ति मिले। ओम रीम
ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु अपने आप को इसी मंत्र में बिल्कुल लीन करेंगे और जगत में यह भावना रखते हुए कि संसार का हर प्राणी सुखी हो इस मंत्र को बिल्कुल लीनता के साथ ध्यान के साथ पढ़ेंगे ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं असियाउ स नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा
ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः सर्वरोग शान्तिं। ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः। 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 ॐ ह्रीं अर्हम् अस्या उषा नमः।
ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। सर्व रोग शांतिम। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम सियौ। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। 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 सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम सियौ स नमः। सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। अपनी दोनों हथेलियां घिसेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे पूरे शरीर पर अपनी हथेलियों को टच करेंगे। आपके हाथ ऊर्जा से भरे हुए हैं। जो भी भावना करेंगे अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, वह भावना इस मंत्र के साथ करें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम। ओम अरहम परम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, बोले शांतिनाथ भगवान की। अद्भुत शांति मंत्र के जप से असीम शांति का अनुभव हो रहा है। जैसा कि अरहम श्री कहते हैं, मंत्रों का जाप हमें करते रहना चाहिए और सामूहिक जाप से इसका वातावरण पर प्रभाव अधिक पड़ता है। तो आज भी हम कल की तरह मंत्र शक्ति को अपनी दिनचर्या में प्रयोग करेंगे। जिन भी लोगों से आज हम संपर्क करेंगे या फोन आदि पर बात करेंगे तो उनका अभिवादन ओम अरहम नमः से करेंगे। सभी को ओम अरहम नमः।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। प्रणम में वाणी देवदूत, प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम में वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है। हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है। अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा।